राजगढ़ जिले के सारंगपुर में सुबह 5 बजे लोकायुक्त टीम ने फ्यूचर स्कूल पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि उक्त कार्रवाई गंज बासुधा में पदस्थ SDO संतोष कुमार परिहार की संपत्ति को लेकर हुई है। लगभग 3 माह पूर्व लोकायुक्त विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए लोकायुक्त टीम ने संतोष परिहार सहित उनके पुत्र फ्यूचर इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर नितिन परिहार द्वारा संचालित प्राइवेट स्कूल की प्रॉपर्टी की जांच की गई। साथ ही स्कूल के दस्तावेज, बैंक रसीद और अन्य दस्तावेज जब्ती में लेकर जाँच शुरू कर दी गई है। नगर में जनचर्चा है कि संतोष परिहार के अन्य शहरों में भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिस्टर संतोष परिहार हैं SDO जल संसाधन विभाग में। इनके विरुद्ध लोकायत संगठन में शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है। उस प्रकरण को पंजीबद्ध करके जाँच की गई। जाँच उपरांत जब ये सत्यापन में ये पाया गया कि इनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है तो अपराध क्रमांक 0/2019 धारा 13(2)(b) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 का प्रकरण पंजीबद्ध करके आज इनके 3 ठिकानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई भोपाल लोकायुक्त की टीम ने की है। एक केएन प्रधान स्टेट भोपाल में इनके निवास स्थान पर, दूसरा सिरोंज स्थित इनका पैतृक निवास स्थान है वहाँ, और तीसरा ये फ्यूचर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जो कि इनका पुत्र नितिन परिहार संचालित करता है उसके यहाँ पर छापामार कार्रवाई की है। आय से और व्यय से संबंधित दस्तावेजों की तलाश की जा रही है और जो भी सामान उपलब्ध है उसकी इन्वेंट्री तैयार की जा रही है। सर अभी तक किस तय तक पहुंच पाई है? नहीं, अभी ये चूंकि स्कूल के स्पॉट पे तो हम दस्तावेजों के अतिरिक्त आपको कोई जानकारी दे पाना का जो नहीं है। अभी ये तो एनालिसिस करने के बाद ही स्पष्ट हो सकता है कि क्या स्थिति है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।